सिटी न्यूज स्टूडियो लाइव में आपका स्वागत है। मुखिया पद हेतु उम्मीदवार मुकेश कुमार, पंचायत सोनपुर, प्रखंड कटरा, जिला मुजफ्फरपुर। सिटी न्यूज की टीम कटरा ब्लॉक का भ्रमण कर रही है। इसी क्रम में हमारे साथ मुखिया जी हैं, आप अपना पूर्ण परिचय देंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, मैं कटरा प्रखंड अंतर्गत पंचायत सोनपुर का वर्तमान मुखिया हूँ। अब मुखिया जी ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जो सरकारी योजनाएं हैं धरातल पर क्या क्या आपके द्वारा उतारी गई है, ये बिंदुवार तरीके से बताएं। मेरा जो पंचायत है वह मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अति पिछड़ा का पंचायत है। यहाँ पूर्व से और इसका क्षेत्रफल अन्य किसी भी पंचायत के अधिक है। मेरे क्षेत्र में विकास का काम बहुत हद तक नहीं हो पाया था, जो अपने समय में चात निश्चय से लेकर मनरेगा के अंतर्गत लगभग ग्रामीण सड़क को पूर्ण किया है, जिसमें छोटी नली गली और बचा हुआ है, जिससे अगर जनता सहयोग दी तो आगे पूर्ण करूँगा। मैंने 13 वार्ड में नलजल का कार्य पूर्ण किया। मेरा 8 नंबर वार्ड जहाँ नलजल का कार्य शुरुआत नहीं हो पाया, चूँकि सरकारी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया था कि वहाँ कार्य अभी नहीं करना है, लेकिन जब फिर आदेश किए तो मेरे पास राशि नहीं था, राशि की अनुपलब्धता के कारण कुछ कार्य बचा हुआ है। अब ये बताइए कि सिटी न्यूज़ की टीम आपके पंचायत में घूमी है, जनता ने भी आपके कार्य के बारे में बताया है, तो जनता इस बार अगर दोबारा फिर मन बनाती है तो क्या कुछ अपने पंचायत को नया देंगे? मेरा एक ही उद्देश्य होगा कि मैं अपने पंचायत को मॉडल पंचायत के रूप में घोषित करूं। मैं इससे पूर्व सर्वप्रथम अपने पंचायत को प्रत्येक घर को शौचालय का निर्माण कराकर ODF घोषित कर दिया था। मेरे पंचायत अति पिछड़ा अनुसूचित जाति के होने के बावजूद भी आज के डेट में साफ सफाई है। जो भी गंदगी रोड पर था, कहीं था, उसको पूर्ण रूप से सफाया करवा चुका हूँ। सरकार अगर सहयोग करती है तो मेरा एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत चाहूँगी प्रत्येक घर में इलेक्ट्रिक लाइट प्रत्येक पोल पर लगवा देना, ताकि रात में की समस्या खत्म हो जाए। बिजली लगभग उपलब्ध 99% घरों में हो चुका है, 1-8% बकाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने लोगों को हमको टारगेट दिया गया वो हम पूर्ण कर चुके हैं। अनुसूचित जाति और को जो आवाज सरकार के द्वारा रोक दिया गया, जिसके कारण कि बहुत सारे परिवार बढ़े जो आज उसके पास रहने का सही व्यवस्था नहीं है। सरकार से यही मांग होगी कि आप अनुसूचित जाति को प्राथमिकता के दर पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें, ताकि वो लोग का भी घर बन सके। चलिए, मतलब आपने अपने पंचायत का जो भी समस्या है इसको बिंदुवार तरीके से बना के रखा है। जनता अगर इस बार सहयोग करती है तो अगले बार वरीयता के क्रम पर इन सभी बिंदुओं पर काम होगा। मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैंने अपने प्रखंड में सबसे अधिक विकास किया हूं और जनता को मान सम्मान दिया हूं, तो जनता पुनः मुझे मान सम्मान देगी, मुझे इसमें कोई चिंता नहीं है। बाबा आपका नटवनी राम। कौन पंचायत में घर है? सोनपुर पंचायत में। कितना नंबर वार्ड में? 5 नंबर में। 5 नंबर वार्ड में आपका क्या क्या काम हुआ है मुखिया जी के द्वारा? मुखिया जी के द्वारा हुआ है काम, नल जल वाला काम हुआ है। अच्छा, नाला का काम हुआ है। आवास वाला? आवास, इंदिरा आवास वाला काम हुआ है। और शौचालय? शौचालय भी हुआ है। सब चीज है, आप मुखिया जी से संतुष्ट हैं? हाँ, मुखिया जी से बिल्कुल संतुष्ट है। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रकिशोर मिश्र। किस पंचायत में घर है? सोनपुर पंचायत। कितना नंबर वार्ड में घर है? 9 नंबर वार्ड में। आपके 9 नंबर वार्ड में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या काम हुआ है? लगभग सारा काम हो चुका है। सारा काम हो चुका है, कुछ नहीं बचा है? कुछ नहीं बचा है। अब ये बताइए कि काम तो हुआ है, योजना सरकारी है, लेकिन मुखिया जी का व्यवहार जनता के प्रति कैसा रहता है? बहुत अच्छा व्यवहार है, जब रात दिन जब लोग चाहते हैं जनता के बीच उपस्थित रहते हैं, रात में बुलाते हैं रात में आते हैं, दिन में बुलाते हैं दिन में आते हैं, हर समय तत्पर रहते हैं। तो इसका मतलब जनता फिर दोबारा मन बनाए हुआ है? मन बनाए हुए हैं जो इन्हीं को मुखिया बनाया जाए। चलिए।